No, not at all. He comes down the wicket and smashes it through extra cover. Going over the top as well. Good shot. This time around he's gone the other way. दूसरे टी20 में भी शाहीनों की ऊंची उड़ान. शानदार बैटिंग और बॉलिंग से वेस्टइंडीज को 16 रन से हराकर सीरीज जीत ली. कप्तान सरफराज शुएब और खालिद लतीफ की उम्दा बैटिंग, पहले 161 रन का हदफ दिया और फिर बॉलर्स ने जाल बिछाकर बैटिंग लाइन काबू में कर ली. सुहेल तनवीर और हसन अली की 3-3 विकेटें. Long off, takes it, down the ground, to long on, catch taken, and Umar Akmal again, dabbing his way as Pakistan stormed to victory. भारत ने मुंबई और पठानकोट हमलों के इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाए मगर अब तक सबूत नहीं दे सका. मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज कहते हैं गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए उड़ी हमले की बैन अल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए. बरतानिया मसला कश्मीर के हल के लिए भी तआवुन करे. दहशतगर्दी आलमी मसला है, कोई कौम या मुल्क उससे तन्हा नहीं निमट सकता. वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लाहौर में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू. थॉमस ड्यू ने कहा कि बरतानवी को मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है और वो पाक भारत कशीदगी में कमी चाहता है. जंग की बातें करते करते मोदी ने गुर्बत से लड़ने का दावा कर दिया. भारत की तरक्की के भी दावे, कहा भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है. ये भूल गए कि भारत में तो 72 करोड़ अफराद के घर में टॉयलेट तक मौजूद नहीं. वजीर आजम नवाज शरीफ ने दलेरी से कश्मीर का मसला अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पेश किया और कश्मीरियों के सियासी हकूक के लिए एक बार फिर आवाज उठाई. हुर्रियत रहनुमाओं सैयद अली गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक का खैर मकदम, कहा नवाज शरीफ ने साबित किया कि वो कश्मीरियों के दोस्त और खैर ख्वाह हैं. क्या इमरान खान वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गए? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि वो हुकूमत के जाने का मुतालबा नहीं कर रहे. उनका मकसद ये है कि वजीर आजम आवाम के सामने जवाबदेह हों. एमकेएम पाकिस्तान को भी खुश आमदीद कहा. मेयर कराची वसीम अख्तर की हिमायत में एमकेएम लंदन बोल पड़ी. कन्वीनर नदीम नुसरत का कहना है कि वसीम अख्तर को हक और सच का साथ देने की सजा दी जा रही है. दीगर जमातों और सिविल सोसाइटी से भी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने की अपील. फैसलाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार. खुदकार हथियार और गैर मुल्की करेंसी से भरे बैग बरामद. कराची में साइबर क्राइम का पहला मुकदमा दर्ज. इंटरनेट पर लड़की को ब्लैकमेल करने पर एफआईए ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया. और लाहौर कलंदर्स जैज राइजिंग स्टार्स टी20 टूर्नामेंट की कदाफी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब. वजीर आला पंजाब भी शरीक. आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा. पहले मुकाबले में लाहौर ने फैसलाबाद को 4 विकेट से हरा दिया. तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त.